हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रॉयल कलेजी ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग बनाएंगे शाही पनीर। तो आइए देखते हैं, इसकी सामग्री को जान लेते हैं। तेल गरम करके सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद हमने पेस्ट बनाकर डाल दिया है, और इस पेस्ट में प्याज, लहसुन और मिर्च है बस, और पानी डाल के मैंने पीस लिया है। और फिर इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालने के बाद दोस्तों इसको चला देते हैं। देखिए सारे मसाले हल्दी के साथ मिक्स हो जाएंगे। और ये दोस्तों ये मसाले इसलिए मैंने हल्दी डाल दी ताकि अच्छे से हल्दी मसालों के साथ इनमें पक जाए। मैं वैसे बाहरी मसाला जैसे जो खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो मैं नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि पनीर मसाले में सिंपल मसाले यूज किए जाते हैं जो मैं यूज करती हूँ। वो मसाले डालने से ज़्यादा अलग टेस्ट आता है, तो इस वजह से शाही पनीर मसाले में मैं एक दूसरा मसाला डालूंगी पनीर का ही। तो वो देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अनुसार, एक चम्मच और हल्का सा थोड़ा सा और। तो इसको डालने के बाद फिर से मैं इसको चला देती हूँ ताकि इसमें जो भी सारे मसाले हैं नमक के साथ ऐड हो जाए और अच्छे से पक जाए। नमक डालने के बाद ये आपका जो मसाला होता है अच्छे से गलना शुरू हो जाता है। जब गलने लगता है तो धीरे धीरे वो तेल छोड़ने लगता है, ये खास बात होती है। ये देखिए मैंने ये मसाला यूज किया है, ये पनीर का स्पेशली मसाला है दोस्तों, पनीर मसाला ही है। तो मैं आज शाही पनीर बनाने के लिए आई हूँ और आपको बता रही हूँ। तो शाही पनीर मसाले में आप पनीर मसाला डाल सकते हैं, ये बहुत ही मतलब टेस्टी बनाता है आपको। और मैं दूसरा मसाला नहीं डालती हूँ, गरम मसाला, ताकि उसका फ्लेवर टेस्ट अलग लगने लगे। ये आपको एकदम शादी वाला लुक दे आएगा, जैसा टेस्ट आप शादी में खाते हैं पनीर का, शाही पनीर उसी प्रकार से ये भी लगता है। जिस प्रकार से मैं आपको बना के बता रही हूँ उसी प्रकार से एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। अब स्पेशल इसमें डालने की बारी आती है क्रीम की, तो मैं इसमें क्रीम डाल देती हूँ। ये आप क्रीम दोस्तों जो आप दूध गर्म करते हैं तो जो उस पर की मलाई जमती है, तो उसी को मैंने डाला है, और इसके वजह से इसका कलर और अच्छा और बेहतरीन लगता है, जिसके वजह से इसके अंदर बहुत अच्छे से टेस्ट की ज़रूरत आ जाती है। टेस्ट इसमें अच्छा फ्लेवर आता है ये मलाई डालने के बाद, और आपको अलग से बटर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैंने इसमें मलाई डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा वो पक जाए ताकि हमारे मसालों के साथ उसका टेस्ट अच्छा है। दोस्तों ये अच्छे से अब देखिए पकने लगा है, तेल भी छोड़ने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। और ये अब इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ, अभी थोड़ा सा और छिड़क देती हूँ ताकि ये और अच्छे से पक जाए। हल्का हल्का चिटकने भी लगा है दोस्तों, तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर को आज मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि ये सॉफ्ट रहेंगे इसमें पनीर फ्राई करके डालने से थोड़े से स्पंजी नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से मैंने आज फ्राई नहीं किया था। तो ऐसे डालने से ये आपके सॉफ्ट भी रहेंगे और खाने में भी बहुत अलग से टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, अगर आप फ्राई करके पसंद करते हैं तो। देखिए ये हमारा पनीर इसमें पक रहा है, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा, ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये हमारा पनीर पक चुका है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।